हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सीबीएसई एकेडमी प्लस। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्षितिज और कृतिका से कौन कौन से चैप्टर नहीं आएंगे। काफ़ी बच्चों का ये प्रश्न होता भी है और काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर क्षितिज का क्या है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्षितिज का जो वेटेज है 26 है, मार्क्स का है 26 मार्क्स का है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट, 26 मार्क्स का है ये क्षितिज जो है, और इसमें से कुछ चैप्टर्स नहीं आएंगे। चार चैप्टर इसमें से नहीं आएंगे इस वीडियो में, मैं ये आपको बताऊंगा। पहला तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे तो देव का है, ये नहीं आएगा इसमें, ये पूरा चैप्टर आएगा ही नहीं। तो इसमें केवल ये पढ़ने के लिए है, आएगा नहीं, या आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा तभी कोई बात नहीं, ये मतलब केवल रीडिंग सेक्शन के लिए है, इससे अलावा इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसका जयशंकर प्रसाद का आत्मकथा भी नहीं आएगा, ये भी इस सिलेबस से मतलब इसमें केवल रीडिंग पर्पज़ के लिए है। मतलब चार चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं आएगा। तो फर्स्ट आप समझ गए कि फर्स्ट आना है और सेकेंड भी आना है, और उसके बाद अगर हम बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी आएगा, तो आप स्टडी ज़रूर कर लें, ठीक है। नागार्जुन भी आएगा, ओके, गिरिराज कुमार माथुर जी का भी आएगा, ऋतुराज भी आएगा। तो ये आपने देख लिया कि काव्य जो खंड है, काव्य खंड से दो चैप्टर नहीं आएंगे। आई होप कि आपको समझ में अब आ गया होगा, और ये बहुत मतलब हिंदी है तो आप बुक को आराम से पढ़ेंगे, सारी स्टोरी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो इसमें आप देखिए गद्य खंड है, वो हमने देखा ना, गद्य खंड है ये, आपको मतलब एकदम उसमें पोयम वाले में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ना समझ में आए थोड़ा सा, लेकिन आप रीड करेंगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, तो उसको हम जितना जल्दी हो सकेगा मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आप अपने एंड से, चूँकि पेपर बहुत कम समय है, तो ये आप करेंगे। देखिए इसमें क्या है, स्वयं प्रकाश तो आना ही आना है, राम वृक्ष वेणीपुरी भी आ रहे हैं, ठीक है, यशपाल भी आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये भी चैप्टर आ रहा है, चारों चैप्टर ये आ रहा है। मनु भंडारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और हाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें नहीं आ रहा है, शिक्षा एक विरोधी कृतक जो है ना, एक शिक्षा कुतर्कों का खंडन, ये चैप्टर नहीं आ रहा डियर स्टूडेंट इसमें से, ठीक है। और इसमें से भदंत, इसमें से दो चैप्टर इसमें से भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो चैप्टर यहाँ भी नहीं आ रहे हैं, यतेंद्र ये जो है ना, ये आप इस पे ध्यान देंगे। देखिए इसमें भी बहुत मतलब कम भी चैप्टर भी हैं, आप फोकस भी कर सकते हैं, 4 to 6 इसमें 6 चैप्टर से केवल, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया क्षितिज से कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं। अगला अगर आप देखते हैं, अगला भी मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट जो है आप जानते हैं कृतिका भी है, कृतिका वेरी इजी है, इसमें कुछ करना नहीं, स्टोरी आपको पढ़ना है, ठीक है, कहानी एक नुमा है। तो ये आपको पांच चैप्टर तो है ही यही, पांच चैप्टर से डियर स्टूडेंट ये जान लें कि दो चैप्टर तो आ ही नहीं रहा है इसमें, यही जैसे ना, यही ठैया झुलनी हैरानी हो राम, ठीक है, येशु प्रसाद मिश्र का है, ये नहीं आ रहा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चैप्टर तो ऐसे ही कट हो गया। तो इसमें एक चैप्टर और है, मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये भी नहीं आ रहा है, तो ये दो चैप्टर, केवल तीन चैप्टर आपको स्टडी करने हैं, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गएगा, मतलब ये सारे सिलेबस जो है क्षितिज और कृतिका से समझ में आ गया होगा। जो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए डियर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।